उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है कारगिल युद्ध, कर्नल ललित रॉय विजय दिवस। और डीडी रैक की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज करगिल विजय दिवस है। करगिल विजय दिवस यानी कि करगिल युद्ध की जो जीत मिली थी हमें, उसके उपलक्ष में हम लोग ये विजय दिवस मनाते हैं। साल 1999 में करगिल युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान से, और करीब 3 महीने तक चला था। सबसे पहली जो इसकी जानकारी हमें मिली थी वो करीब, जहाँ तक मुझे याद है कि 3 मई को जो चरवाहा था वहाँ के, कश्मीरी चरवाहा, उसने आकर बताया नीचे भारतीय फौज को कि जी ऊपर जो हमारी इंडियन पोस्ट हैं उन पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए हैं, यानी कि घुसपैठ कर ली है। उसके बाद फिर इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई, पार्टीज भेजी गई, गोलियां शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हुई, और मिड मे में तो फुल फ्लेज जो है वो लड़ाई शुरू हो गई थी बिल्कुल भयानक तरीके से। इंडिया ने भी ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, बहुत अग्रेसिव ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हुए थे, और ये सारी लड़ाई हुई। तो ये करीब 3 महीने तक लड़ाई चली, मतलब जुलाई तक लड़ाई चली। और जो इसका टर्निंग पॉइंट था, जो मेन, जब पाकिस्तान ने कहा कि जी अब हम बुरी तरह फंस गए हैं, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो थे, नवाज शरीफ उस वक्त थे, वो भागे भागे पहुंचे अमेरिका, बिल क्लिंटन के पास। और उस समय आप सोचिए कि 4 जुलाई, 5 जुलाई, 4 जुलाई, ये उनके इंडिपेंडेंस डे वाला जो मामला होता है अमेरिका का, उस समय वो लोग बिजी होते हैं, उस समय पहुंचे। उस सोचिए कि कितने तनाव में थे और किस बुरी तरह फंसे हुए थे नवाज शरीफ। फिर वहाँ गए, उन्होंने ऑफिशियली वहाँ पर कहा कि जी हम जो है अपनी आर्मी जो है वो विड्रॉल कर रहे हैं, और हम ये लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी सारी चीज़ें हुई, तब तक मुझे लगता है कि हम द्रास को भी कंट्रोल कर चुके थे, जो हमारी आर्मी थी। और उसके बाद 14 जुलाई की जो तारीख थी, वो तारीख थी जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को, विजय नाम रखा गया था इसका, तो उसको डिक्लेयर किया कि जी हम कामयाब हो गए हैं, और जो बातचीत पाकिस्तान सरकार से करनी है उसके लिए भारत सरकार की तरफ से शर्तें रख दी गई। और आधिकारिक तौर पर इस लड़ाई के खत्म होने और भारत के जीतने का जो ऐलान हुआ वो 26 जुलाई को हुआ। तो इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को जी हम मनाते हैं करगिल विजय दिवस। अच्छा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस लड़ाई में शरीक हुए, आप नाम जानते हुए उनको, कर्नल ललित राय, बहुत बड़ा नाम है, इनको वीर चक्र मिला था। सोचिए इतना बड़ा सम्मान मिला था करगिल की लड़ाई में, और वीर चक्र यूं ही नहीं मिल जाता। तो उनकी जुबानी पूरे करगिल जंग की आंखों देखी, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिक बात और कोई नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो उस जंग में शामिल रहा है, जो जिसने वो जंग लड़ी है, जो उस वक्त इंडियन आर्मी के उन टुकड़ियों में, उन रेजिमेंट्स में शामिल थे, जिन्होंने जाकर अपनी जान भी गंवाई, और जो बच गए, जो लड़े, कब्जा किया पोस्ट पर, वापस ली अपनी जमीन, वो। तो चलिए मैं आपको बिना किसी देर के कर्नल ललित राय को सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं। आज हमारे बीच कर्नल ललित राय, जिनसे हम बात करेंगे। इन्हें वीर चक्र से नवाजा गया। इन्होंने बटालिक रीजन में गोरखा रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए कई ऊंचाइयों को रिकैप्चर किया। अब हम उनसे सुनेंगे कैसे ये कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई और कैसे इसको इन्होंने अपने टारगेट्स को अंजाम दिया। कर्नल राय, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कारगिल युद्ध हुआ? थैंक यू मनोज फॉर दी लवली इंट्रोडक्शन। सो दिस ऑपरेशन जो किया ना 99 में, उसको ऑपरेशन अल बदर था। वो 84-87 के बीच में कभी उन्होंने प्लान किया था। अंडर ऑपरेशन अल बदर उन्होंने प्लान किया था कि हम 3 मेजर जगहों में इन्फिल्ट्रेट करेंगे और उस इलाके के जितने भी हाइट्स हैं उसको कब्जा कर लेंगे और वहाँ पे बैठेंगे फुल विंटर तक, और जब समर में दोबारा हिंदुस्तान की फ़ौज आएगी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उस वक्त उनको जो है नुकसान पहुँचाएंगे और वहीं बैठे रहेंगे। और वहाँ बैठने से उनको फ़ायदा ये था कि वो जो हाईवे, नेशनल हाईवे 1 डेल्टा, जो आपके जम्मू को से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए
ले तक पहुंचती है, मेन सप्लाई लाइन, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। उससे क्या हो जाता है, पूरा सप्लाई बंद, आर्म्स एमुनेशन बंद, कोई भी फूड ऑयल नथिंग कुछ भी नहीं जा सकता आगे। तो उससे क्या होता, फ़ायदा उनको कि हमारी जो भी आर्मी आगे होती है उसकी सप्लाई बंद हो जाती। तो सियाचिन ग्लेशियर और जो भी जो जगह है ना ऐसे, उनको स्टाव ऑफ कर देते, उससे हमारा इंडिया का वो पोर्शन भी ले ले पूरा कट ऑफ हो जाता, पूरा कट ऑफ हो जाता। फिर जैसे मैंने बोला ना उनका एम, ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया कारगिल में कुछ खास पीक्स को वापस हासिल करने के लिए। हमें ये बता सकते हैं सर कि ये ऑपरेशन हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, इस वॉर में कुछ खास पीक्स को आप लोगों ने कैप्चर किया वो कौन सी थी और उनका क्या महत्व था? वो सबसे पहले था मुस्को वैली, सेकेंड वन वॉज द्रास एंड कक्सर, जहाँ की वो टाइगर हिल था, एंड द थर्ड वन वॉज बटालिक सेक्टर। ऑल इन ऑल एस्टिमेटेड ये था कि उनके पास ऑलमोस्ट 150 से लेकर 200 स्क्वायर किलोमीटर्स उन्होंने कब्जा जमाए बैठे थे वो। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया आई थिंक दी जो हाइट की जो डोमिनेंस है इनको जो मिल रही है वहां से, वो उस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे थे जैसे चाहते हैं वो हमको वैसे। बिल्कुल, वो एरिया को भी डोमिनेट कर ही रहे थे बिकॉज वो वाटरशेड से काफी इस तरफ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो जो रोड था ना, जो कि बहुत ही क्रूशियल था हमारे लिए सप्लाई लाइन्स के लिए, उसको पूरा डोमिनेट करके वो बिल्कुल ब्लॉक ही कर सकते थे। थोड़ा सा मैं आपके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपको अचानक जब ये वॉर छिड़ गई तो 1st 11 गोरखा रेजिमेंट को कमांड करने के लिए आपको अचानक बुलाया गया, तो ये कैसे हुआ और आपकी क्या फीलिंग्स थी उस समय? मनोज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट ओवर हियर, बिकॉज मुझे कहीं कहीं लगता है कि यू नो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। मैं लैंड हुआ उधर 2nd of June, स्ट्रेट फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन टू द फायर बोलते हैं ना जिसको। और मेरे नेक्स्ट जो हमने मेजर अटैक किया जो खल्लूबार टॉप के लिए 2nd July में, सो आई हैड ओनली 30 days इन माई हैंड। आज लैंड हुआ, 30 दिन के बाद अटैक अगर करना है कोई किसी को बोले तो बोलेगा पागल हो गया है, क्योंकि 30 दिन में तो आप अपने लड़कों को भी पूरा नहीं मिल पाओगे, उनको भी तो अपने लीडर का शक्ल देखना है ना पहले, बिफोर दे एक्चुअली फॉलो हिम टू डेथ। मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने शक्ल को सबको दिखाऊँ, अपने बॉयज़ को, कि वो पहचाने कि कौन है कमांडिंग ऑफिसर। तो मैं क्रॉलिंग करते हुए, बम्बार्डमेंट होती थी, इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट होता था, ऐसे बम्बार्डमेंट में भी क्रॉलिंग करते करते मैं गुफाओं में, पोजिशंस में, दूर दराज एरिया में जाके 10, 15, 20, 30 जितने भी लड़के वहाँ बैठे थे उनको जमा करके मैं बोलता था कि बॉयज आई एम योर न्यू कमांडिंग ऑफिसर, हमें अटैक करना होगा, हम ज़रूर यहाँ जो है बिल्कुल हमारी फतेह होगी, और हमें अटैक करके दिखाना पड़ेगा, हमें अपना खोखरी का माइट दिखाना पड़ेगा। एंड बॉयज़ आर वेरी हैप्पी टू सी मी, उनको एक नई सी ऊर्जा आ गई, यू नो जोश आ गया कि यस वी आर नाउ डूइंग समथिंग, वी आर गोइंग टू डू समथिंग। सर हमें थोड़ा आप इस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि हाउ डिड दिस हैपन, कैसे आपने इसको लीड किया, कैसे आपके सोल्जर्स आगे बढ़े? तो हमें मौका मिला कि हमें अटैक करना है। अब खल्लूबार जो पॉइंट, खल्लूबार टॉप जिसको अटैक करना था, वो बिल्कुल एक स्पर उसके बिल्कुल सेंटर में था वो, और चारों तरफ दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन, इस तरफ भी दुश्मन, आइडियाज़ टू गो बिहाइंड एंड अटैक। सामने 1 फुट भी अगर आप सामने जाओगे तो इतना मशीन गन फायर आता है कि आप 1 फुट तो क्या 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकते, और ऐसे हालात में हमें वहाँ अटैक करना था। हम अमूमन कहते हैं ना कि दुश्मन एक है, दुश्मन एक नहीं था हमारे लिए, दुश्मन 3 थे। सबसे पहले वाला दुश्मन था हाई अल्टीट्यूड, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे 16-17 हज़ार फीट अबव सी लेवल पे, टेम्परेचर्स थे -30 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो, -30, -40, -50 तक पहुंच जाती थी उधर। कहते फ्रॉस्ट बाइट होने का, बिल्कुल एकदम जम जाते थे उधर, लोहा छूटने से, बिल्कुल इतनी तकलीफ होती थी उधर। देन ब्रीदिंग डिफिकल्टी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी बिल्कुल घट जाती है, आप यू कैन नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर, जो आप यहाँ 100 किलोग्राम आराम से कैरी कर सकते हो, 20-15-20 किलो कैरी करने के लिए भी एक मतलब परिश्रम होता था, एक बहुत ही चैलेंज होता था उधर। सो दिस वॉज वन, एंड एक्सट्रीम कोल्ड से लोग कितने फ्रीज होके बेचारे शहीद हो गए उधर, इतना बुरा हाल हो गया। हाइट वॉज वन, एडवर्स कंडीशन वॉज दियर, एब्सोल्युटली, एंड माई गॉड 17-18 thousand चढ़े उधर उस इलाके में, वेयर ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, कोल्ड इज गेटिंग यू, वेट इज पुलिंग यू डाउन, एनिमी इज फायरिंग एट यू, एंड द थर्ड एनिमी वॉज द एक्चुअल एनिमी, जो पूरे आधुनिक जो है हथियार के साथ ऊपर बैठा हुआ है,
मशीन गन फायरिंग एट द रेट ऑफ 1000 राउंड्स पर मिनट, 40-50 ऐसे मशीन गन्स फायरिंग एट यू एट द थिंग, यू आर क्लाइंबिंग अप देयर. सो ऐसे हमें फेस करना पड़ा उधर एक्चुअल बैटल से पहले. इट वॉज टेरेबल, इट वॉज मिजरेबल, एंड फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर ये तो एक नाइटमेयर था. ये बात बिल्कुल सही है कि एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए ऐसे हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं होता. मतलब आप ऐसी स्थिति में हो, आप समझ रहे हो कि आप बीच लड़ाई में हो, गोलियां बरस रही हैं, गोले बरस रहे हैं, किसी भी वक्त कोई गोली आपका काम तमाम कर सकती है. और मुझे याद आता है कि कर्नल राय ने खुद अपने एक लेक्चर में बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी उनकी तरफ बढ़ रही थी और उनकी जो पलटन थी, उनकी जो टुकड़ी थी, उनके पास एमुनिशन बहुत कम बचा था, बहुत कम, और वो नीचे से आ रहे थे पाकिस्तानी, और जवान टेंशन में आ गए कि भाई क्या करें. तो कर्नल जो राय हैं, उन्होंने किस तरह अपने जवानों को मोटिवेट किया था, ये आप जरा सुनिए. आई लुक्ड एट देम, आई सेड ब्लडी फूल्स, तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर साहब को ये पाकिस्तानी लोग इतना गंदा गंदा गाली दे रहा है, तुम लोग चुपचाप बैठे हो, गाली दो. नाउ माई बॉयज वेर इन टोटल दुविधा, क्या करें. कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म इज लाइक पत्थर में लकीर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसओबेइंग हिम. सो दे स्टार्टेड नजिंग ईच अदर, यू गिव इट, यू नो. सडनली दे कॉट होल्ड ऑफ वन फेलो, ज्ञान बहादुर, हू वाज फ्रॉम देहरादून. इज दैट देहरादून का बदमाश है पक्का, ही मस्ट बी नोइंग गालीज. सो दे गॉट हिम अप, एंड दिस फेलो 5 feet नथिंग टेक्स आउट इज खुकरी लाइक दिस, एडजस्ट इज जैकेट लाइक दिस, ही स्टिल ट्राइंग टू गेट द करेज, यू नो, टू गिव गाली इन फ्रंट ऑफ मी. And then he looked over the boulder, and then he looked at me. I said, "Yes, yes, gali do." Then he says, "Pakistani kutta upar aayega to mundi kaat dega." When he said that, I started laughing, and I told him, "Gyan Bahadur, Pakistani log pakka marega, lekin wo hansas ke marega ki gorkhe log gali bhi nahi de sakte." And believe me, in such a serious condition. In such a serious condition, the soldiers suddenly got josh. They took out their khukris. I remember chopping those Pathans, you know, 6 feet something, and my guys just 5 feet. They were jumping and chopping those heads, and the heads were rolling down. They just got up, took their khukris out, and they said, "Sahab, ek hi goli hai, to kya hua? Khukri hai na? Cut kar ke marenge jab tak hum nahi marenge, sahab." Suddenly that josh was there. मतलब कमांडिंग ऑफिसर को ना सिर्फ जंग लड़नी होती है, जंग की प्लानिंग करनी होती है, बल्कि ये चीज भी देखना होता है कि वो अपने जवानों को मोटिवेट करे कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास ये चीज है, नहीं है, कमी है, लेकिन फिर भी हमें लड़ना है. और ये आंखों देखी बात, ये उनकी चीज एक्सपीरियंस बताता है कि भाई किस कदर लड़ाई में माहौल होता है, किस कदर ये लोग अपने जवानों को मोटिवेट करते हैं. और इसमें एक बात और होती है कि ये सब सारी चीजें करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करने देते कि चलो हमारे पास ये कमजोरी है, आज हमारे पास एमुनिशन कम है, लेकिन हम लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ सकते, हम हमारा जो गोल है उस गोल को नहीं छोड़ सकते. और इसीलिए मुझे लगता है कि कर्नल ललित राय ने ये चीजें की और इसकी वजह से उनके जवान मोटिवेट हुए. तो इस इंटरव्यू में कर्नल राय ने एक और चीज बताई है, उस पॉइंट के बारे में बताया है जो अमूमन जिसकी वजह से फौजी जो है अपने आप को कमजोर फील करता है. क्या था वो पॉइंट, जरा सुनिए. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि एक फौजी का सबसे वीक पॉइंट क्या होता है, मतलब इट्स अ सीक्रेट विच आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, बट आई विल टेल यू टुडे कि फौजी का जो है बूट होता है ना, सबसे जो है इट्स अ स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड वीक पॉइंट ऑल्सो. अगर बूट सही हो ना तो हम कहीं भी चल के पहुँच जाते थे. उस समय कारगिल वॉर 99 में जब छिड़ा तो हम लोग यहाँ पर बूट कॉम्बैट RI बनाते थे. अच्छा. तो हमारे पास उस समय कुछ डिमांड आई कि हमें इमीजिएटली छोटे साइजेस के बूट्स RI चाहिए. मेरे लड़कों के लिए होगा, बिल्कुल छोटे साइज बोला तो. और सर यहाँ से मटेरियल इमीजिएटली विदाउट एनी ऑर्डर वो आए, उन्होंने पैक करवाया यहाँ पर, लोकल जो आर्मी की यूनिट है पैक करवाया, एंड इमीजिएटली वी वर आस्क्ड टू सेंड इट टू चकेरी एयरपोर्ट, और वहाँ से इट वॉज एयर लिफ्टेड. वी वर टोल्ड दैट इट इज़ बींग एयर लिफ्टेड डायरेक्टली टू कारगिल. ओके. सो ये छोटा सा एक हम लोगों फैसिनेटेड बाई दिस थिंग, बिकॉज हम तो वहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, हमें मालूम नहीं था, बट हमें ये मालूम था कि जो जिस ही बंदे ने बना के भेजा ये मोर देन फरिश्ता फॉर अस. अरे नहीं सर, ये तो दैट वाज द वेरी लिटिल दैट वी कुड डू. नो नो, बट यू डिड इट एट सच शॉर्ट नोटिस विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस.
दैट्स फैंटास्टिक. तो मेरे फादर उस समय थे. अच्छा. तो उन्होंने फिर सारी हमारे वर्कर्स को एड्रेस किया. उन्होंने कहा कि बच्चों, हम अपने देश के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा जूते बना करके, ये स्नो बूट्स बना के हम अगर पहुँचा सकें, इंसुलेटेड बूट्स, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा. और उन लड़कों ने रात दिन काम करके सर यहाँ पर Fantastic. Matter of fact, I will definitely carry your story. और मैं ज़रूर अपने लड़कों को भी बताऊँगा कि I have met that gentleman who has worked with his team to produce those beautiful boot RI which we use for war over there in the front. MKU में we say that courage is a decision. So आप थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएंगे कि कैसे आपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया. फौज में जो भी जवान लड़ता है ना, वो नाम नमक निशान के लिए करता है. सो अगर वो जवान उठ के जो है जोश में एकदम चार्ज करता है, इट्स बिकॉज ही फील्स इट इज़ हिज ड्यूटी, नॉट बिकॉज ही इज़ बीन ऑर्डर टू डू इट. उसका कर्तव्य है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ मिलता है उसमें. आर्टिलरी शेलिंग, रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, एज वी वेंट ऑन क्लोजर, मशीन गन फायर, स्मॉल आर्म्स फायर, माय गुडनेस, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन एंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर दे मस्ट हैव ब्लोन ऑन अस. और जब भी मेरा जवान गिर जाता बुलेट से, मैं उसको आइस बॉल बना के उसके जहाँ भी बुलेट होल होता था, जहाँ से खून बह रही होती थी, उसको हम ब्लॉक करते थे ताकि खून ना बहे. उस जवान की हिम्मत को देखो, इवन इन अ सिचुएशन लाइक दैट, उसको पूछा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको एक जगह ले जाऊँगा, राइफल से आप पॉइंट करके जो है जिस बंकर से फायर आ रहा है उसमें तुम फायर करते रहो ताकि हमें भी फायर सपोर्ट मिले. बट नेक्स्ट डे व्हेनेवर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, मैं खुद आके तेरे को अपने कंधे में बिठा के नीचे ले जाऊँगा. तो जवान वहाँ का हर जवान ने यही बोला कि साहब हमें पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इलाके को डेलाइट होने से पहले कैप्चर करें, तो डोंट वरी, आई एम, इट्स वेरी पेनफुल, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पूरा शरीर खोखला हो गया बिकॉज देयर नो ब्लड, बट वी विल वेट साहब, आप काम ख़त्म कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड यू कम बैक एंड टेक अस. एंड राइट हियर आई वांट टू टेल यू, जहाँ मैंने सोचा था कि एक दिन में ख़त्म करके मैं वापस आऊँगा इस जवान को फिर इवैक्यूएट करने के लिए, it took us more time, it took us 2-3 days, and by the time I came back, these jawans were lying down there, their rifles were pointed towards the same objective which I had given them, their finger was pressing the trigger, there was no bullet in the magazine, but they were frozen solid like an ice block. So till the last bullet and the last breath they fought and they died, and that is the quality of the Indian soldier, yeah, Indian army soldier. I really say hats off to the spirit of our soldiers. It's because of people like our soldiers that our nation is very secure, and today ours is one of the strongest and the most professional armies in the world. जो बात कर्नल राय ने कही है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है. इतनी गंभीर है कि शायद हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो इस बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, वो मानता नहीं है कि कितनी सेक्रीफाइस एक जवान करता है, एक सोल्जर करता है. और हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि जब लड़ाई का माहौल होता है तो वहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच शायद कुछ मिलीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स का फासला रह जाता है, और ये फासला इतना कम होता है, और ये फासला इतना कम होता है कि आपको उस बात का एहसास भी नहीं होता कि कब ये फासला मिट गया और आपके साथ कुछ हो गया. तो कर्नल राय खुद इस चीज को फील कर चुके कि उनकी छाती से मौत बस कुछ मिलीमीटर दूर से गुजरी थी. The size of the bullet is here. Remember, just 2 grams of explosive is enough to kill a man. With this sort of a thing, it can shatter you. I have neutralized this. I have kept this like this so that you know. This can shatter you. It just makes a big hole and then carries a 5 or 6 kgs of meat off from the back. I have seen that happening. This blows you apart. And the binocular which I have here is this. When I was wearing it like this, and the bullet came like this, you can see the bullet hole, and went out like this. Gone out like this. This was the type of closeness with which we went here. Because I was shot in the leg, and splinters on the leg. And they kept telling me, come down, you have done your job. But I said, no, if I come down now, the whole thing will collapse. The operation would have gone for a 6. So I held on for 36 hours with all this bleeding and pain and the other trauma that was going on. But it paid off well. Thank you. I leave this. You can have a look.
अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई क्यों हमें शुक्र मनाना चाहिए या शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे जवानों का, जो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं। चलिए आगे इस इंटरव्यू में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए इस वाले हिस्से में, तो मिस मत करिएगा, आखिर तक सुनिएगा। चलिए, कैप्टन मनोज पांडे का आपने नाम लिया, इनफैक्ट शायद मुझे याद है लखनऊ के से ये पढ़े हैं और यूपी के ही हैं, तो कहीं मैंने देखा है कैंट में कि ये ग्रेनेड फेंक रहे हैं, एक हाथ में इनके राइफल है और एक हाथ से ग्रेनेड फेंक रहे हैं। करेक्ट। उस वक्त लेफ्ट साइड से एक बंकर एरिया से बहुत मशीन गन की फायर आ रही थी और आगे सामने से भी बहुत मशीन गन की फायर आ रही थी। तो मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ का यंग बॉय, ही वॉज जस्ट अबाउट 24-25 ईयर्स ओल्ड। तो उसको मैंने ऑर्डर दिया कि आप जाके ये बंकर एरिया से जहाँ से आ रहा है फायर, 3-4 बंकर दिख रहे हैं, उनको ख़त्म करो। मनोज पांडे गया उधर विदाउट हेजिटेशन, करेजियस बॉय आई टेल यू, ही वेंट देयर एंड इंस्टेड ऑफ 4 बंकर देयर वर 6 बंकर्स। सो वहाँ एक हौलदार भीम बहादुर दीवान था, उसने वो 2 बंकर्स को ख़त्म कर दिए, लेकिन उसी के दौरान वो बेचारा शहीद हो गया उधर, ही गॉट द बुलेट थिंग ओवर देयर, ही गॉट किल्ड। ये 4 बंकर्स को भी मनोज पांडे ने एक एक करके फायर एंड मूव करके ग्रेनेड को लूप होल के थ्रू फेंक के उसने बर्बाद कर दिए। एंड जैसे कितना जो है आदमी का वो क्या कहते हैं ना, करेज चाहिए कि आप ग्रेनेड लेके आप क्रॉल करते जाओगे और मशीन गन फायर कर रहा है 1000 राउंड्स अ मिनट, अगर उसने देख लिया तो आप तो छिदड़े हो जाओगे। तो 3 ख़त्म कर दिए, जब तीसरा कर रहा था तो ही गॉट अ स्प्रे ऑफ बुलेट्स ऑन हिज लेफ्ट साइड एंड ही वाज ब्लीडिंग। अनफॉर्चुनेटली बाई दैट टाइम इतना खून बह चुका था कि उसके जो रिएक्शंस बहुत स्लो हो चुके थे, और जब वो खड़ा होकर ग्रेनेड फेंकने के लिए गया तो थोड़ा स्लो हो गया। पाकिस्तानियों ने देखा, 4 बुलेट्स राइट थ्रू दी हेलमेट हो गया, 4 बुलेट्स एंड इमीडिएटली, बट इवन बिफोर ही फेल डाउन द इमीडिएट रिएक्शन बस ना छोड़नो, ही टोल्ड दिस बॉयज, दैट मीन्स डोंट लीव दिस गाइस, एंड ही फेल डाउन। लड़ रहे हैं, खून बिल्कुल बह रहा है, बट वो कोई गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी इन बातों को सुन के। बट सर ये बताइए, एक्चुअली कैसे ये सब चीज़ें आपने हैंडल की वहाँ पे? इतना कन्फ्यूजन था उधर, तो जितने भी भाग के रह गए थे उनको मैंने बोला, सर में कफन बांधो, ये मत सोचो कि हम वापस जिंदा आएंगे, ये भी मत सोचो कि मेरा हाथ को क्या होगा, पाँव को क्या होगा, कुछ नहीं, सर में कफन बांधो, खुकरी निकालो और चलो। एनर्जी नहीं है, इतना चढ़ चढ़ के थके मरे हैं हम लोग, कितने घंटे हम चढ़े हैं उधर, ठंड से ठिठुर रहे थे उधर, भूखे प्यासे, बट वी सडनली गॉट द एनर्जी एंड वी चार्ज्ड अप, वी स्लैश्ड आवर वे अप एंड वी रीच द टॉप एंड देन वी हेल्ड ऑन टू दैट टॉप ओवर देयर। उनके काउंटर अटैक्स आए, वी हेल्ड बैक एंड ऑन द आई थिंक आफ्टर 36 आवर्स और सो वी पुट द तिरंगा झंडा ऑन टॉप एंड खलुवा टॉप वाज आवर्स। सर इस ग्रेट विक्ट्री के बाद हाउ आर यू फीलिंग? यू मस्ट बी फीलिंग रियली ग्रेट आफ्टर यू हैव अचीव्ड दिस टारगेट फॉर योर बटालियन, फॉर योर नेशन। आपको कैसा लग रहा था उसके बाद? मनोज, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यस दैट वुड बी द यू नो, ये सोच आती है कि भाई जो अचीव करने के लिए गए थे वो अचीव हो गया, तो आई शुड हैव बीन हैप्पी, बट अगेन एट वॉट कॉस्ट? जवान लड़के 21 साल के, आई मीन दे हैड अ फुल लाइफ अहेड, सारी ज़िंदगी पड़ी थी उनके, उनके भी फैमिली थे, उनके भी अरमान थे, उनके भी एम्बिशंस थे, गए सब बेचारे। तो वो सोच के जो है ना, एज अ कमांडिंग ऑफिसर बहुत दुख होता है। उस दौरान आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ आपके पास 2 बॉक्सेस लेटर्स के, हाँ। तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। या उसका ऐसा था कि इमीडिएटली आफ्टर द वॉर आई वॉज रियली रियली सैडेंड, और मैं अंदर ही अंदर जो है ना, मेरे एंगर खाई जा रही थी मेरे को। मैं ये सोचता था कि यार लुक एट दिस पीपल, दे आर नॉट इवन वरीड अबाउट अस, हम ऐसे डेजोलेट एरियाज में जो है गोली खा रहे हैं इधर, भूखे प्यासे सर्दी में बिल्कुल ठिठुर रहे हैं इधर, कोई खाने का सोने का कुछ टाइम नहीं, कुछ वक्त नहीं, गोली बमबारी ऑल द टाइम लाइक दिस। सो उस वक्त मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे रनर ने 2 सूटकेस भर के जो है ना लेटर्स लेके आया, कहते सर आके लेटर्स आए। जब खोल के देखा तो इट वॉज एड्रेस टू द कमांडिंग ऑफिसर 1st 11 गुरखा राइफल्स, तो यू कुड मेक आउट दैट दोज पेजेस वर टॉर्न फ्रॉम नोटबुक्स यू नो, एंड विद टाइनी हैंड यू कुड मेक आउट, वो हैंड राइटिंग से पता चलता नहीं कि बच्चे ने लिखा करके, प्यारे फौजी भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड देन वन हार्ट विद द रेड कलर ओवर देयर,
आप जरूर आइए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. यू नो सिंपल लेटर लाइक दैट, ऑल द लेटर्स ओपन दैट कंटेन थिंग्स लाइक दैट, समन झंडा, समन एम्ब्रेसिंग अ स्मॉल गर्ल, एम्ब्रेसिंग हर विद पिग टेल्स ओवर देयर, एंड आई ऑलमोस्ट चोक्ड हिम. और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि यार लुक, एवरीबॉडी इज नॉट सो इनडिफरेंट, कोई तो है उधर जो हमें भी प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं. बिकॉज एज अ फौजी ऑल आई से सी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ वो नहीं चाहिए, हमें आपसे थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए. दैट्स व्हाट अ फौजी वांट्स. एंड दैट इज द डे आई डिसाइडेड कि मेरे जो लड़के हैं, जो जवान जवान लड़के गए हैं, उनकी वीर गाथा जो है मैं सबको सुनाऊंगा. आई विल टेक टाइम आउट बट आई विल स्प्रेड द गुड वर्ड अबाउट द ग्रेट जॉब एंड द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट माई बॉयज हैव मेड फॉर ऑल यू गाइज. सर ये वाकई में जो आपने सुनाया ये बहुत ही इंस्पायरिंग है. बस एक आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, अगर आप कुछ देना चाहें एज एन आर्मी ऑफिसर. एक सिंपल सोल्जर होता है, वो दुश्मन से इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो दुश्मन को हेट करता है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि जो उसके पीछे है उसको वो लव करता है, उसके नेशन और उसके पीपल को लव करता है. इसलिए एज अ सोल्जर वी विल फील एम्पावर्ड इफ एवरी सिटीजन अंडरस्टैंड्स कि क्या सेक्रीफाइस उसका एक सिंपल सोल्जर ने किया है उसके लिए, ताकि वो सो सके. दैट्स ऑल आई कैन से. जय हिंद. तो ये थी करगिल जंग की वो पूरी आंखों देखी जो कर्नल ललित राय, जो उस जंग में खुद शामिल थे, जो लड़े थे उस जंग में, उनके जुबान. तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें क्यों अपने जवानों का आदर करना चाहिए, हमें क्यों अपने जवानों का सम्मान करना चाहिए, हमें क्यों उन्हें फील कराना चाहिए कि नहीं, जिस चीज के लिए आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर आप लगा देते हैं, हमारी मिट्टी की, हमारी जमीन की सुरक्षा के लिए आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो आप स्पेशल हैं. तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग जब भी सेना के जवानों को देखें तो उनको भरपूर आदर दें. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर को नहीं होनी चाहिए, मोटिवेट करने की जिम्मेदारी हम जैसे एक आम नागरिक को भी होनी चाहिए. हमें भी इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए, पूरा ख्याल होना चाहिए कि भाई इन जवानों की वजह से हमने सारी जंगें जीती हैं, आज हम महफूज हैं, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो सिर्फ इनकी वजह से. ये सिर्फ एक नौकरी नहीं करते हैं, वो कर्तव्य है उनका, और कर्तव्य के आगे वो कुछ देखते नहीं. तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए. और उम्मीद है कि भाई हम सबको उन पर गर्व महसूस होना चाहिए, वो गर्व हमें दिखाना चाहिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए उन सेक्रीफाइसेस के बारे में जो हमारे लिए दिए जाते हैं. उम्मीद है कि इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा. कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये कहानी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों तक पहुंचानी है. तो शेयर करिए, लाइक करिए और इस पर चर्चा कीजिए. जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार. जय हिंद. जी कॉम्प्लिकेटेड होती है जी कुछ स्टोरियां, कुछ चीजें जो हैं, लेकिन यह है कि आप बीती सुनाना, और क्योंकि वो जंग की सिचुएशन जो चल रही होती है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है. यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही लोग जो फौजी जो हैं, हमारे जो पुराने जो हैं, कह लें कि बड़े वडेरे जो हैं, जो फौज में रहे हैं और इस तरह की जंगों में उनका हिस्सा रहा है कुछ ना कुछ, और कहीं ना कहीं हिस्सा उन्होंने डाला है, तो वो चीज़ें कभी कभार सुनाते हैं तो कुछ लोग में लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है. तो वो दो चीज़ों से होता है, वो कंट्री से मोहब्बत नहीं होगी, या उनमें वो चीज़ अप्रोच नहीं करने की होगी कि यार फौज है क्या, अब ठीक है लड़ लिया. तो ओरिजिनल सिचुएशन जो जिसमें से गुजरे हैं वो जैसे बताते हैं, और जिस तरह वो जोश से बता रहे होते हैं, मैंने कुछ बड़ों को सुना है कि वो बता रहे होते हैं स्टोरी, इस तरह हुआ था, इस तरह लोगों ने जनाब अपने घरों में सामान जो था वो बेच के उन लोगों को दिए, और गर्म कपड़े जो उनके पास थे, और गरीब लोगों ने, वो नहीं सोचा कि यार कोई मिडिल क्लास कोई लीड क्लास है, उन्होंने जिस तरह हो सका उनकी हेल्प आउट की है. और इसमें भी उन्होंने यही मेंशन किया कि जिस तरह उन्होंने जूते तैयार किए और जी जल्दी में तैयार किए और उनको पहुँचाया, लेकिन वो तो जंग के मैदान में थे कमांडर, उनको नहीं पता था, उनके जवानों को नहीं पता था कि क्या सिचुएशन चल रही है. और जिस तरह की वो मूड चल रही होती है वहाँ पे, और जिस तरह का टेम्परेचर होता है, वो अल्फा ब्रॉच वाली यहाँ पे ड्रामा बना था,
और इसी मौजू पे था, इसी जंग पे था। तो उसमें उन्होंने दिखाया गया, क्योंकि वो जो उन्होंने बात मेंशन की है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आप टॉप पे होते हैं तो एक बंदा अगर टॉप पे हो तो 10 बंदे नीचे हो तो वो 10 एक बंदा भारी है 10 पे, तो वो ऐसी पोजीशन होती है। आप अगर टॉप पे हैं तो वो मशीन गन चल रही हो इतनी स्पीड में होती है और वो कह रहा है कि इतने राउंड जो है फायर करती हैं। तो मेरे ख्याल में गोली का साइज़ आप लोगों ने देख लिया, बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद नदीम भाई ने ना देखी हो, लेकिन यह कितनी स्पीड से जब वो फायर होती है, तो वो ऐसी गोली है कि सामने से तो छेद ही करेगी, पीछे से वो फाड़ कर रख देगी। तो इन्हें नॉर्मल वे बुलेट जो आती है वो इतना नुकसान करती है, तो ये तो मशीन गन की है। और वो उसमें ऐसी सिचुएशन में आपका ऊपर चढ़ना, और जिस तरह उन्होंने जवान की कहानी बताई, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा पॉइंट इसमें यह था कि वो जवान जो उनसे उनके साथ जुड़े हुए थे, उनसे रिलेटेड थे, उस टुकड़ी का हिस्सा थे, और उनकी गोरखा राइवल्ट और जो उनके मतलब सिस्टम चल रहा था वहाँ पर, जो सिचुएशन चल रही थी ग्राउंड, और उसमें उन्होंने जो कुछ किया वो ये कमांडर जो है वो बयान कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए, उन लोगों का भी हिस्सा है इसमें, उन लोगों का नाम आना चाहिए। वैसे मैं एक और बात सोच रहा था कि पाकिस्तानी ऊपर थे तो पाकिस्तानी फौज तो ऊपर से भी काउंटर नहीं कर सकी, सोचने वाली बात है ना यार। देखिए कुछ चीजें हो सकता है इसमें, वैसे तो शेर खान जो कर्नल शेर खान है उनकी तो ये भी इंडिया में तारीफ करता है, तो वो बहुत लड़े थे। इन्होंने सिर्फ वन वे किस्सा बताया, अगर दोनों तरफ का बताते कि वहां से वो तो जाहिर है दोनों तरफ हुआ है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ एंड जो हुआ है उसका, हाँ वापस ले लिया इंडिया ने, हाँ वापस ले लिया। वो मैं सोच रहा था कि वो तो ऊंचाई पे थे, ठीक है उन्होंने काफी सारा मतलब नुकसान किया इंडिया के, उन्होंने खुद भी बताया कि मेरे काफी जवान जो हैं वो मर गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर आ जा के कब्जा कर लिया इंडिया ने, बिल्कुल कर लिया, वापस ले लिया, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे। देखे जी वो मैं जैसे कहते हैं मैदान में उतरते हैं तो एक एक बताएं आप, मैंने पूछा यार, नहीं मैंने सुना था अपने एक चैनल था वो उसको देखो सुनो जानो ना, एक पाकिस्तान का चैनल है यूट्यूब पे, तो वो हिस्ट्री पे पूरी वीडियो बनाता है, इस कारगिल पे भी उन्होंने बनाया, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज उस टाइम एक पेज पे नहीं थी, जिसकी वजह से इधर से बंद कर दिया गया था एमुनिशन, इसलिए वो लोग फिर जो है ना मजबूरी बन गई थी। पिछली हमने एक वीडियो की थी उनकी कारगिल पे जो शुरू शुरू में हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई है, तो उसमें भी हमने यही बातें की थी जो अभी नदीम भाई कहने वाले हैं, तो जो नदीम भाई कहने वाले हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ और जो हमारे मुशर्रफ था उनकी आपस में जो है वो नहीं लग रही थी, तो और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ डर गया था और वो गया था उधर, तो ऐसे करके कहानी हमने उस वक्त भी बताई थी, लेकिन उसके बाद काफी सारी ऐसी कहानियां भी हमें देखने को मिली हैं बाद में। वो हमारा रिएक्शन देख लें, वो बिल्कुल सेम जब जो नदीम भाई देंगे सेम ऐसे ही हमारा, तो सीरियसली कह रहा हूँ, लेकिन अभी काफी सारा चेंज हो चुका है माइंड, लेकिन ये बात भी ठीक है काफी हद तक ठीक है कि उस वक्त फौज की और हुकूमत की एक नई लग रही थी, पेज पे नहीं थी, तो उस वजह से भी ये भी एक मेन वजह है, क्योंकि मुल्क अगर वो सियासी और फौजी जो भी अस्करी क्यादत है वो आपस में ना बैठेंगे, वो आपस में वो सारा कुछ ना एका हो तो उस वक्त तक वो जंग नहीं जीत सकते, ये बहुत बड़ी रीजन है ये भी। जैसे अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं अभी भी अगर जंग छिड़ जाती है तो अभी भी काफी सारा नुकसान पाकिस्तान को ही होना है, पाकिस्तान को पास कुछ मतलब ना तो किसी के साथ इत्तेहाद है ना वाम के साथ कोई मतलब अट्रैक्शन रहा है, उस वक्त तो वाम साथ थी, हो सकता है इस वक्त भी अवाम जो है आपको लग रहा है कि वो बिखरी पड़ी है और जज्बात बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, लेकिन एट द एंड हो सकता है वो जज्बा कहीं ना कहीं होता है। नहीं वो तो मैंने पिछली वीडियो पता है हमने की थी, उसमें मैंने कहा था कि अवाम चाहे कुछ भी हो जाए अवाम ने अपने मुल्क की खातिर जो है वो फौज का साथ तो देना ही देना है, वो देना ही देना है, लेकिन बात ये है ना कि हुकूमतें और ये सियासी इस्तेकाम जब तक नहीं आता मुल्क में तब तक ये सारा कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने तो वो ड्रामा देखा था उसमें तो डिफरेंट वे में देखा था, उसमें उन्होंने कहा था मौसम की खराबी होगी और हमने ये जगह जो है ये पॉइंट जो है
टॉप हिल जो है हमने फतेह कर ली है, और वो एक लड़का वहाँ पे रह, दो लड़के रह जाते हैं, एक मर जाता है और एक रह जाता है, और वो वहाँ पे फॉलो कर रहा होता है, नीचे से इनकी टुकड़ियाँ आ रही होती हैं, छः बंदे होते हैं, छः में से पाँच को गिराता है, ठीक है, दो आते हैं, एक को मारता है, एक बिल्कुल उसके करीब ये बैठा होता है बर्फ में, क्योंकि व्हाइट कलर का सूट पहना होता है, जिस तरह ड्रामाटाइज किया गया उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो वो एट दी एंड उसे कहता है कि लाले आ गए हो, आ तो गए हो, कहाँ के हो, फलां के क्या नाम है, उसका पूछता है नाम, पूछ के उसे कहता है जा लाले, तो उसे वापस भेज देता है। लेकिन एट दी एंड वो तो चलो उसको ड्रामाटाइज किया गया, वो जो सीन किया गया कि उसकी टांगे ज़ाया हो गई, बाजू ज़ाया हो गए ठंड की वजह से, जिसका बता रहे थे कि टेम्परेचर जो है बहुत डाउन था, वो शेल हो जाता है, वो सीन जो है वो जहाज़ वहाँ पे जा नहीं सकते थे, रेस्क्यू नहीं कर सकते थे, मौसम बड़ा ख़राब था, और पाकिस्तान को भी मुश्किल आ रही थी, लेकिन एक बेनिफिट था कि वो टॉप पे थे। मैं ये समझता हूँ ना कि जब एक और चीज़ भी है ना, यहाँ पे एक और चीज़ भी देखनी चाहिए, जबकि उस वक्त दो महीने पहले ही एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का कि कोई अब जो है वो लड़ाई जंग नहीं करेगा, नहीं होगी, उसके बाद भी ये हुई। ये इस चीज की समझ नहीं आती कि उस वक्त फिर वो कहते हैं ना कि जो गलत होता है ना उसका रब साथ नहीं देता, ये पक्की बात है, यकीन करें, हारने की वजह भी यही है, घुसपैठ जो है वो पाकिस्तान ने की, जो ज्यादती करेगा इस मौजू पे मैं भी मानता हूं, पाकिस्तान ने जो ज्यादती करेगा ना वो अपने मुंह की खाएगा, जरूर खाएगा, वो रब भी उसका साथ नहीं देता होता, ये जंग ज्यादती से बचना चाहिए, और ये जंग इसलिए उन्हें ज्यादती उस वक्त पहल नहीं करनी चाहिए, पहल नहीं करनी चाहिए, बेतुकी एक अमन का मुआहदा हो चुका है, जब मुआहदे को तोड़ा जाता है ना वो ज्यादती है। यहाँ पे हमारे गाँव में इसमें ये नहीं है कि हम कोई एंटी पाकिस्तान है, अभी देखने वाले भी सोचेंगे कि पता नहीं ये हमारे खिलाफ, ये मैं एक रब का कानून है, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान को पता है, जहर मुसलमानों को जो हमें सिखाया जाता है, रब का कानून है, जो ज्यादती करेगा उसके साथ रब नहीं होता। तो हारने की कितनी उस वक्त भी वजह होती थी, ये पता है जंग आ रहे थे वो, मुझे नहीं याद बाखरम के दौर में, नुकसान हुआ था, उस वक्त भी वो गलत हरकतें की थी, वो छोड़ के थे अपनी जगह, जहाँ हुक्म नहीं माना था तो ज्यादा की थी, तो उस वक्त वो हार उनकी किस्मत में आई थी, उस वक्त वक्ती तौर पे। तो उसी हिसाब से ये मैं सोच रहा हूँ कि जो भी ज्यादा करता है, जो गलत करता है, उसका साथ रब नहीं देता, पीछे हाथ हटा लेता है, दिखानी पड़ती है, अमन का मुआहदा ना किया जाता, हाँ या मुआहदा ना किया जाता, कर लिया तो अगर कर लिया तो उसके बाद जो है वो ज्यादा ना की जाती, कारगिल वार ना की जाती, कारगिल में घुसा ही ना जाता, ये तो मुनाफकत का भी टैग लग गया, मार खा के वापस आ गए, एक बात इसमें चाहे किसी भी वजह से, चाहे सियासतदानों की वजह से, चाहे अपनों फौजी की वजह से, या इंडिया की वजह से, जैसे कमांडर उन्होंने कहा है कि मैं अपने जवानों को बैकअप कर रहा था, बीच में हमें खाना खत्म हो गया, पानी नहीं था, प्रॉब्लम आ रही थी, ऊपर से टेम्परेचर इस तरह का चल रहा था कि माइनस में है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद जज्बा खत्म हो रहा था, और क्या किया कि उठ के जनाब गाली निकालो, ठीक है, तो वैसे किसी ने वो एक गोरखा कहते हैं ना कि गोरखा गाली निकाल, तो मींस के वो जज्बा अपनी जगह पे था, लेकिन ये है कि लोग वो फौजी में जो होता है ना, वो बंदे में होता है कि मतलब कि जज्बा होता है लड़ने का, आपके पास हथियार नहीं है, आप बिल्कुल निडाल हो चुके हैं, जो सिचुएशन है करंट सिचुएशन चल रही है वो आपके बिल्कुल खिलाफ चल रही है, ऊपर से मशीन गन के फायर हो रहे हैं, वो टॉप पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी और नीचे से ऊपर जाके उस जगह को फतेह किया है, हासिल किया है, और मैं कहूँगा जबरदस्त, क्योंकि ये बादरी का काम है जी, वही बात अली भाई, अचानक कोई हमला कर दे तो आप उस वक्त जो है वो उस हालत में नहीं होते कि अपना दिफा कर सके, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे दर्जा रतब इतना कम है। उन्होंने एक और चीज़ बताई थी इसमें, ड्रामे में बता रहे थे, वो रियलिटी थी कि जहाँ पे आपने तस्वीर में भी देखा होगा वहाँ पे पत्थर हैं और वो जुड़े हुए नहीं हैं, वो पीस बाय पीस हैं इस तरह, और वो कहते थे बर्फ में कहीं पाँव रखते थे तो दम से चार फुट नीचे चले जाते थे, पता नहीं चलता था क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी उस वक्त बहुत सख्त किस्म की, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला हो रहा था, ये जिस जगह पर खड़े हैं वो मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, वहाँ पे बिल्कुल खुश जगह और पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन टॉप हिल उसके ऊपर था जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, और पाकिस्तान ने फुल प्री प्लान किया था वो ड्रामे में जिस तरह बता रहे थे, आई डोंट नो व्हाट रियलिटी है, प्री प्लान इसीलिए किया ना क्योंकि वो चूज किया बर्फ का वक्त उस वक्त, क्योंकि वो इंडियन फौजी जो है वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, जवाब ले जवाब नहीं जा सकता, ये जो है ऊपर गए हैं कब्जा करने के लिए, जब खत्म होगी ये सारी
तो उसके बाद जो है वो हम ऊपर आएंगे फिर हम मुकाबला करेंगे, लेकिन वो पता चल गया इनको इंडियन को वो चरवाहे की वजह से बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि इंडियन फौजियों ने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने अपना काम पूरा किया और ईमानदारी से काम करके अपनी पोस्टें अपनी जगह सब कुछ वापस ले लिया। और जो ज्यादा करते हैं 1971 में भी ज्यादा हुई थी, जैसे भी हुई की ज्यादा, और आज देख लें उस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हुआ था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए तो और पाकिस्तान की फौज को भी सरेंडर करना पड़ा। तो ज्यादा करने वाले के साथ कभी भी रब नहीं होता, और जो है वो जो हक पे होता है, जो सच पे होता है, रब उसी का साथ देता है। बाकी बिल्कुल बिल्कुल यार, ये एक तारीख है, तारीख को मैं एक बात कर ऐड करना चाहता हूँ। तारीख जो है ना, इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। देखो ये जंग है, अभी कर्नल साहब हैं जो भी, मैं नाम भूल गया हूँ, तो इन्होंने तारीख इन्होंने तारीख बताई है, इससे सबक सीखना चाहिए कि जंग में क्या क्या होता है। यकीन करो छोटी छोटी चीज़ें भी उस टाइम ये सारी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं फौजियों को, हर चीज़ पहुँचाई जाती है, और जंग इतनी मुश्किल होती है। देखें कि गोली किस तरफ निकली थी, उनके लग के साइड से निकल गई, उनकी जान बच गई। तो ये यार जंगें बहुत मुश्किल होती हैं, ये सिर्फ कहने वाले कह देते हैं या ये अभी बयान कर रहे हैं, ये बहुत आसान है। यकीन करें पता भी नहीं होता कि हाँ ये चल रहा होता है, ये जो बता रहे हैं ना, इतनी मुश्किल में थे तो किसी को पता भी नहीं था कि वहां पे ये चल रहा, बाकी सारे सो रहे थे, ये पार्टियां कर रहे थे। ये आप ये भी बता रहे हैं कि मैं इसी बात है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था जिसको बुलेट लगी है वहां पे बर्फ रख के, तो उन्होंने जो सीन बताया वो जो जंप किया था, विजन कर रहा था बिल्कुल, मैं भी वही कैसे कैसे गार्ड के उसने वो डिफेंस करना होता है ना कि पीछे से बैकअप, उन्होंने बताया कि वैसे ही पोजीशन थी और आखिरी गोली मैगजीन भी खाली और वहीं पे जंप किया और उसके बाद वो पूरे जमे पड़े थे। इसलिए ये इनकी बात सुनने के बाद ना ये कहकर वो बात मैं जो कह रहा हूं ना, कहता था पहले भी कि जो वतन की मोहब्बत है ना खून में शामिल होती है, इंसान कुछ भी हो जाए ना पीछे नहीं हटता। तो वीडियो यार जबरदस्त वाली है, वीडियो जबरदस्त ही मजा है देख के, ये डिटेल है, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।